हेलो एंड वेलकम टू रियलिटी 360 डिग्री। पिछले 10-12 सालों में ग्रेटर नोएडा वेस्ट, ऑल्सो नोन एज नोएडा एक्सटेंशन, में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। द सिटी इज इवॉल्विंग इंटू अ थ्राइविंग हब ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ, एंड दिस डेवलपमेंट हैज पेव्ड द वे फॉर इन्वेस्टर्स एंड होम बायर्स। नोएडा एक्सटेंशन में देश के टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, की बिजनेस हब्स हैं और इंडस्ट्रियल जोन्स की भी प्रेजेंस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्लस नोएडा एक्सटेंशन से कनेक्टिविटी भी हर जगह की बेहद सीमलेस मिल जाती है। पोजिशन एडजेसेंट टू वेल एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल पावर हाउसेस लाइक ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड द यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन एंजॉयज अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। After Noida, this is the most desired location for home buyers. And in this video, I am going to discuss one of the most desired project of this area. It's a low-rise project of Nirala, India, located near God Chowk and Ekmurti. Ekmurti around 1 km ke distance par hai. Location is Sector 16B Noida Extension. Project ka naam hai Nirala Aspire Phase 2. एंड लोकेशन के एडवांटेजेस की बात करें तो इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल एडजॉइनिंग फ्री रनिंग स्कूल्स हैं, कमर्शियल है, प्लस आसपास मेजरली रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स हैं वे पीपल आर ऑलरेडी लिविंग। कमिंग बैक टू आवर प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट निराला एस्पायर प्रोजेक्ट का फेज टू है जिसमें सिर्फ लो राइज अपार्टमेंट्स हैं। फेज वन इनका ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है एंड इसमें लोग रह रहे हैं। फेज टू की बात करें तो ये 5 acre का प्रोजेक्ट है जिसमें S+4 एंड G+4 की हाइट के साथ टावर्स होंगे। टोटल यहाँ पर 23 टावर्स हैं जिनमें 317 यूनिट्स हैं। प्रोजेक्ट में 3 BHK 1579 एंड 1596 स्क्वायर फीट के साइज में है एंड 3 BHK प्लस सर्वेंट 1784 स्क्वायर फीट के साइज में है। पेमेंट प्लान CLP है। प्रोजेक्ट का पोजेशन 2024 में मिलेगा। प्लस प्रोजेक्ट में कमर्शियल एरिया भी मौजूद है जिसमें आपका डेली नीड का सामान मिलेगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट के अंदर एक प्ले स्कूल भी है। लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट अमेनिटीज नाउ। सो यहाँ 23 टावर्स हैं जिनकी टेरेस एरिया पर आर्टिफिशियल गार्डन्स होंगे, गजीबोज होंगे, किड्स प्ले एरिया, ओपन जिम अमंग अदर्स। इसके अलावा प्रोजेक्ट में फेज वन का एक ऑपरेशनल क्लब हाउस है जिसमें स्विमिंग पूल, जिमनेजियम, को वर्किंग स्पेसेस, इंडोर गेम्स हैं। प्लस फेज टू का भी अलग से क्लब हाउस रहेगा जिसमें सारी बेसिक अमेनिटीज आपकी प्रेजेंट रहेंगी। नाउ लेट्स हैव अ टूर ऑफ द सैंपल अपार्टमेंट। एंड गाइस, आई हैव एंटर्ड अ 3 BHK सैंपल अपार्टमेंट जिसका साइज है 1596 स्क्वायर फीट। यहाँ पर आपको मेन डोर पर डिजिटल लॉक का फीचर मिल रहा है, ये आपका इंक्लूडेड रहेगा एंड इस डिजिटल लॉक में आपको चाबी की जरूरत नहीं होती है। इसे आप कार्ड के साथ एक्सेस कर सकते हैं, पिन के साथ एक्सेस कर सकते हैं एंड कंप्यूटर के साथ एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर इस घर में होम ऑटोमेशन का भी फीचर मिल रहा है। अगर आप चाहें तो इस घर में आप स्मार्ट फीचर्स के साथ इसे खरीद सकते हैं, बट इसके आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। दो बालकनी मिल जाती है, एक रहेगी आपकी रनिंग बालकनी, यहाँ पर आपको ग्लास रेलिंग मिल जाती है एंड काफी ज्यादा अच्छी ब्रिथ एंड लेंथ पे यहाँ पर बालकनी है। प्लस सेकंड बालकनी आपकी इस तरफ रहेगी, तो ये आपकी सेकंड बालकनी है जो कि आपकी प्राइवेट बालकनी है। इसे सिर्फ आप लिविंग एंड डाइनिंग एरिया के साथ एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट वाज द लिविंग एरिया एंड लिविंग एरिया के बिल्कुल ही नेक्स्ट रहेगा आपका डाइनिंग एरिया। सो कंप्लीटली आपका डाइनिंग एरिया रहेगा, यहाँ पर आप अपनी डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। बस इस पैसेज की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले आपको ऑन माय लेफ्ट इज अ आप बेडरूम एंड बाकी एरियाज के साथ एक्सेस कर सकते हैं। प्लस हम पैसेज में थोड़ा जाते हैं तो आपका इस तरफ रहेगा किचन। सो गाइस, ये रहेगा किचन, ये आपको रॉ फॉर्म में मिलेगा, बट अगर आप चाहें तो बिल्डर आपको एक कम्प्लीटली मॉड्यूलर किचन बना के दे देंगे, बट उसके एक्स्ट्रा चार्जेस रहेंगे।
बट अगर हम इस किचन के साइज की बात करें तो काफी ज्यादा अच्छे साइज में आपको ये किचन मिल रही है। ये आपका कम्प्लीटली ड्राई एरिया रहेगा एंड इस तरफ आप अपना वेट एरिया बना सकते हैं। प्लस फ्लोरिंग आपकी थ्रू आउट दी अपार्टमेंट आपकी इटालियन मार्बल की फ्लोरिंग रहेगी। एंड अगर आपको यहाँ पर भी यूटिलिटी एरिया मिल रहा है, एक अलग से बालकनी मिल रही है जिसे कि आप किचन के साथ एंड एक बेडरूम के साथ एक्सेस कर सकते हैं। ये आपकी रनिंग बालकनी है एंड बालकनी में आपको दूसरे रूम से दिखाऊंगी। एंड इस किचन के बिल्कुल सामने ही मिलेगा हमारा बेडरूम आपको रखा है, तो आप चाहे तो इसे एज अ किड्स बेडरूम डिजाइन करवा सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए वार्डरोब का स्पेस रहेगा एंड ये रहेगी बालकनी। ये रनिंग बालकनी है, मैंने आपको ड्रॉइंग एरिया से दिखाई थी। प्लस ये रहेगा अटैच वॉशरूम जिसे कि आप बाहर से एक्सेस कर सकते हैं एंड बेडरूम नंबर 1 से एक्सेस कर सकते हैं। फर्दर आपका ये पैसेज आपके रिमेनिंग 2 बेडरूम्स की तरफ जाता है। तो सबसे पहले इस तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पर रहेगा आपका बेडरूम नंबर 2। सो गाइस दिस इज योर बेडरूम नंबर 2। इसमें आपके लिए एक अटैच वॉशरूम रहेगा। वॉशरूम आपको कम्प्लीट फिटिंग्स के साथ दिया जाएगा एंड दिस इज द बालकनी दैट इज अटैच्ड विद बेडरूम नंबर 2 एंड द किचन। And this is your third and final bedroom, that is your master bedroom of this flat. ये रहेगा आपका master bedroom, बहुत ही ज्यादा spacious size में है and यहाँ पर आपके लिए wardrobe का space रहेगा। Plus this side is the attached washroom. Washroom काफी huge size में आपको यहाँ पर मिल रही है and पूरी fittings के साथ आपको ये washroom deliver की जाएगी and यहाँ पर आपके लिए एक सिटी। प्लस मैंने एक फुल वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें मैंने निराला एस्पायर का फेज 1 डिस्कस किया है एंड फेज 2 डिस्कस किया है, तो उस वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। And for any other query, give a call on the number displayed on the screen. Thank you for watching.